नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस है, भारतीय वायुसेना के प्रमुख 90 और राफेल्स को चरणबद्ध तरीके से खरीदने पर जोर दे रहे हैं। रूस ने अब भारत को S-400 सिस्टम की आपूर्ति की शुरू, साथ ही S-500 और S-550 सिस्टम के लिए भी भारत के साथ अगले महीने मीटिंग करेगा। रुस्तम 2 का यूजर्स ट्रायल्स 2022 में शुरू होगा और 2022 के अंत में इसे भारतीय आर्म फोर्स में शामिल कर लिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहली निजी क्षेत्र की रक्षा विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। भारतीय सेना प्रमुख इसराइल के 5 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए। रूस ने चीन के साथ नए भारी लिफ्ट हेलीकॉप्टर विकसित करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और भारत को मिलेगा अपना फाइनली मैरिटाइम कोऑर्डिनेटर। भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे इसराइल के 5 दिवसीय दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। भारतीय सेना की तरफ से जो बयान आया है उसमें कहा जा रहा है कि ये जो यात्रा का उद्देश्य है उससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा सहयोग को और मजबूती करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अधिकारियों ने बताया कि जनरल MM नरवणे दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसराइल के टॉप सैन्य कमांडरों के साथ भी बातचीत करेंगे। दोस्तों, इस यात्रा के पीछे का जो मकसद है वो बहुत ज्यादा जरूरी है हमें जानना। द्विपक्षीय रक्षा संबंध तो हमने बढ़ाने ही है जो कि पहले से ही चले आ रहे हैं। इसके अलावा भारत और इसराइल ने अभी हाल ही में ड्रोन, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भी एक समझौता किया है। इसके अलावा DRDO और इसराइल की रक्षा अनुसंधान एवं विकास निदेशालय, जिसे कि DDR&D कहा जाता है, इन दोनों के बीच इनोवेशन एग्रीमेंट भी हुआ है। और इस समझौते में स्टार्टअप और जो माइक्रो मिनी और मीडियम जो उपक्रम होते हैं यानी कि MSMEs होती हैं, उनमें अनुसंधान एवं विकास और इनोवेशन को बढ़ावा देने का प्रावधान भी है। इसराइल भारत को पिछले कुछ सालों में विभिन्न हथियार प्रणालियां, मिसाइलें और UAV की सप्लाई कर रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा ना कि अब वक्त आ चुका है कि या तो आप भारत में आकर इन्वेस्टमेंट कीजिए और भारत के साथ मिलकर इन रक्षा प्रणालियों को बनाइए। अब हम डायरेक्टली कोई चीज नहीं खरीदने वाले हैं, बहुत कुछ प्लान बन चुका है भारत की तरफ से कि अब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एक क्लॉज जोड़ा गया है। इसके अलावा आप मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इंडिया में आकर यहाँ बनाइए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसराइल के साथ भारत कर रहा है, और यही नहीं, यही रुख भारत ने और देशों के साथ भी अपनाया है, चाहे वो अब फ्रांस ही क्यों नहीं है। इसके अलावा भारत अमेरिका को भी इस तरीके की पेशकश कर चुका है। तो ये बहुत ज़रूरी है हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में पहली संचालित निजी क्षेत्र की रक्षा विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है और इसे मजबूत सार्वजनिक निजी भागीदार का एक शानदार उदाहरण भी करार दिया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस रक्षा विनिर्माण सुविधा में विमान का इंजन, हेलीकॉप्टर इंजन, विमान के लिए संरचनात्मक जो भाग होते हैं यानी कि जो पार्ट्स होते हैं वो, ड्रोन, UAV, पनडुब्बियां, अल्ट्रा लाइट आर्टिलरी गन, स्पेस लॉन्च व्हीकल और स्ट्रेटेजी सिस्टम आदि का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक इंटीग्रेटेड धातु निर्माण सुविधा की आधारशिला भी रखी है, जो कि एरोस्पेस के लिए इस्तेमाल में आने वाले टाइटेनियम और विदेशी मिश्र धातुओं में प्रमुख कच्चे माल का उत्पादन करेगी। और वैसे भी दोस्तों, भारतीय रक्षा उद्योग में गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी बहुत मायने रखती है और भारत एक अच्छी क्वालिटी वाले हथियार बना सकता है। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि दुनिया को सैन्य हार्डवेयर का भारत निर्यात भी करेगा और बड़े स्तर पर करेगा। इसीलिए निजी क्षेत्रों का आना बेहद जरूरी है डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर। दोस्तों, कल के डिफेंस अपडेट में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रुस्तम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, वो भी भारत के अपने नेविगेशन सैटेलाइट गगन के साथ। लेकिन अब कहा जा रहा है कि रुस्तम 2, जो कि एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज एंड्यूरेंस ड्रोन है, वो अपने सारे डेवलपमेंटल ट्रायल्स को 2021 तक पूरा कर लेगा और उसके बाद इसकी 6 यूनिट्स को भारतीय आर्म फोर्सेज को दिया जाएगा यूजर ट्रायल्स के लिए, जो कि 2022 में उन्हें सौंपे जाएंगे। और ये जो यूजर ट्रायल्स आर्म फोर्सेज के जरिए किए जाएंगे वो 2022 की तीसरी तिमाही तक पूरे हो जाएंगे और उसके बाद रुस्तम 2 को 2022 के अंत में सेवा में शामिल करना शुरू कर दिया जाएगा। रशियन फेडरल सर्विस के डायरेक्टर ने कहा कि रशिया ने S-400, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, उसे भारत को भेजना शुरू कर दिया है। इसके अलावा रशियन प्रेसिडेंट की यात्रा के दौरान रूस भारत के साथ S-500 और S-550 सिस्टम पर भी बात करेगा। बता दें कि S-500 ने अभी हाल ही में अपने सारे ट्रायल्स सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं, लेकिन S-550 सिस्टम अभी अपनी योजना के चरण में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही भारत के पास S-400 वायु रक्षा प्रणाली आएगी, उसे चाइना से पहले पाकिस्तान वाले मोर्चे पर तैनात किया जाएगा। कहा जा रहा है कि S-400 जो वायु रक्षा प्रणाली है,
जो कि भारत पहुंच रही है, इसकी पहली यूनिट को पश्चिमी मोर्चे के पास तैनात किया जाएगा। पहली स्क्वाड्रन डिलीवरी इस साल के अंत तक पूरी हो जाएगी और उसके बाद भारतीय वायुसेना पूरी मोर्चे की ओर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देगी। एक्चुअली पाकिस्तान को भी चाइनीज S-400 मिला हुआ है, HQ-9 जिसे कहते हैं। हालांकि S-400 बाप है HQ-9 का, क्योंकि HQ-9 जो बना हुआ है वो चाइना ने S-300 की कॉपी करके बनाया है और चेप दिया है पाकिस्तान के मत्थे पर, क्योंकि पाकिस्तान ने HQ-9 भारत के खिलाफ तैनात कर रखे। तो ऐसे में भारत का पूरा फर्ज नहीं, भारत का पूरा कर्तव्य बनता है कि पहले स्क्वाड्रन जो S-400 के आ रहा है उसे चाइना के बजाय पाकिस्तान के मुंह के सामने खड़ा कर दिया जाए। दोस्तों पिछले हफ्ते हमें पता चला था कि इंडियन एयरफोर्स 114 MRFA फाइटर जेट्स को चरणबद्ध तरीके से खरीदने की योजना बना रही है, लेकिन अब जो नई रिपोर्ट आई है उसमें कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स 90 राफेल्स को बैचेस के माध्यम से खरीदेगी। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो 90 राफेल आएंगे ये काफ़ी कॉस्टली भी आएंगे, साथ ही तेजस मार्क 2 इस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, क्योंकि ये भारतीय वायुसेना का एक बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी बननी बेहद ज़रूरी हो गई है, जो कि मौजूदा 36 राफेल और SU-30 के साथ डिफेंस की पहली पंक्ति में हो सकते हैं। इसके बाद 83 तेजस, MiG-29, Mirage 2000 ये 2035 में सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बन जाएंगे, क्योंकि दोस्तों तेजस मार्क 2 भारतीय वायुसेना की एक मजबूत रीढ़ की हड्डी, जैसे कि मैंने बताया कि वो बनने का काम करेगा, क्योंकि ये एक तरीके का सप्लीमेंट होगा राफेल और Sukhoi-30 MKI के बीच में, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होंगे ऑफेंसिव और डिफेंसिव क्षमताओं के साथ। और इसके बाद AMCA प्रोग्राम सामने आ जाएगा पूरी तरीके से, और धीरे धीरे 2040 तक Sukhoi-30 की जो फ्लीट है उनकी जगह AMCA आ जाएगा। और तेजस मार्क 2 एक ब्रिज का काम करेगा, जो कि 5वीं पीढ़ी यहाँ तक कि 6ठी पीढ़ी की टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए और एक ऐसा ही इकोसिस्टम भी तैयार करेगा। और अगर तेजस मार्क 2 की अनदेखी करते हुए भी अधिक राफेल खरीदे जाए तो इससे निजी क्षेत्र को भी मदद नहीं मिलेगी, जो कि सार्वजनिक निजी भागीदारों के तहत AMCA का निर्माण करने के बजाय आउटसोर्सिंग का कार्य करेगी। तो दोस्तों तेजस मार्क 2 को किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता। रूस ने संयुक्त रूप से एक मल्टी रोल हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर विकसित करने के लिए चीन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। रूस अपने ट्रांसमिशन, स्टीयरिंग स्क्रू और एंटी आइसिंग सिस्टम सहित विमान के लिए भागों का योगदान करेगा। रूस 2008 से चीन के साथ इस परियोजना के बारे में बातचीत कर रहा था और इस साल 25 जून को इस अनुबंध पर हस्ताक्षर भी कर लिए गए, और यह अनुबंध लगभग 13 सालों तक चलेगा। और इसके अलावा इसकी ज्यादा डिटेल हमारे सामने नहीं आई है। दरअसल चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको इस डील के जानने भी जरूरी है। दरअसल सबसे पहली बात यह है कि ये कोई अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है, बल्कि एक लॉजिस्टिक हेलीकॉप्टर है। चलो मान लिया कि एक लॉजिस्टिक हेलीकॉप्टर है, इसका चीन को क्या फायदा होगा और भारत को क्या नुकसान होगा? दरअसल चाइना की सोच काफी लंबी रहती है और ऐसे में हमें भी उसकी सारी चालाकी मालूम है। दरअसल ये जो हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स होंगे इनका इस्तेमाल वो ट्रूप्स को कैरी करने के लिए, यानी कि अधिक संख्या में सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, इसके अलावा लॉजिस्टिक्स जो कि हथियारों के फॉर्म में भी हो सकते हैं उन्हें डिप्लॉय करने के लिए कर सकता है। और इस हेलीकॉप्टर को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि ये आसानी से किसी भी तरीके के वातावरण में और किसी भी तरीके के टेरेन में आसानी से काम कर सकता है, और चाइना इसका मिलिट्री लॉजिस्टिक ऑपरेशन में इस्तेमाल करेगा। लेकिन रशिया को ये बात मालूम है कि जब चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है तो ऐसे में उसके साथ सहयोग करने की क्या जरूरत है। दरअसल यहाँ पर आपने देखा होगा कि रशिया उसको केवल कुछ पार्ट्स की सप्लाई कर रहा है, जिसमें कि स्टीयरिंग क्रू है, एंटी आइसिंग है, ट्रांसमिशन है, और बाकी जो असेंबलिंग होगी वो चाइना के अंदर होगी। ऐसे में कोर टेक्नोलॉजी तो रशिया भी चाइना को नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर की पोस्ट को अप्रूव कर दिया है, जिसमें कि इंडियन नेवी के रिटायर्ड और सर्विंग वाइस एडमिरल इस पोस्ट पर नियुक्त किए जाएंगे, और ये देश की समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा और ब्लू इकोनॉमी की जरूरतों को मजबूत करने के लिए सैन्य और नागरिक एजेंसी के बीच इंटरफेस के रूप में काम करेंगे। तो दोस्तों ये अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।